Nigam, and you are watching my channel Class of Designing. तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ब्लैक पेंटिंग के बारे में, जो फैशन डिजाइनिंग के 1 ईयर कोर्स में पेंटिंग के रिलेटेड आता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की फेब्रिक पेंटिंग बताई जाती है। तो ब्लॉक पेंटिंग जो होती है, ये लकड़ी, धातुओं या प्लास्टिक के बने ब्लॉक्स हो सकते हैं, जिनका यूज करके हम अपने क्लॉथिस को, अपने साड़ी, दुपट्टे, बेडशीट, कुशन कवर, इन सब में करके हम अपनी क्रिएटिविटी को बता सकते हैं। देखते हैं हम अपने ब्लैक पेंटिंग में क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरी फाइल है जिसमें आप देख रहे हैं ब्लॉक पेंटिंग के। तो इसमें हमको मार्केट में जो बने हुए ब्लॉक्स आते हैं, उनका यूज करके ऐसे पेंटिंग्स बनाना है। तो अपनी फाइल में बनाने के लिए हमने इसमें हैंकीज में ब्लॉक्स प्रिंट किए हुए थे फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये दूसरे टाइप के ब्लॉक हैं जिनमें स्मॉल फ्लावर आते हैं, जिसमें मैंने हैंकी में सेंटर प्रिंट दिया हुआ है। और ये 3 टाइप्स का जो है, इसमें मैंने अपनी डिजाइनिंग में इसके कोनों को ही लेके इसकी डिजाइनिंग बताई हुई है। तो ब्लैक पेंटिंग का यूज करके फ्रेंड्स आप अपने साड़ी, दुपट्टों और अपनी यूजेबल क्लॉथेज में ब्लॉक प्रिंट करके बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। जो सेम जैसे मार्केट में हम जो भी कपड़े लेने जाते हैं, अगर उनमें थोड़ा भी फर्क रहता है तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो हम अपने क्रिएटिव माइंड को यूज करके, इन ब्लॉक्स पेंटिंग्स का यूज करके हम अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास ब्लॉक नहीं मिल पाए, मार्केट से नहीं ले सकते, तो आप इस टाइप के ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बच्चों के आते हैं, खिलौने, और वेजिटेबल ब्लॉक्स, जैसे मैंने अपने पेंटिंग्स में करके बताए हुए हैं। और ऐसी कोई भी उभरी हुई चीज़ें, उभरी हुई डिजाइन जिनमें पेंटिंग करके उसमें उसका यूज किया जा सकता है, उसका यूज करके आप ब्लॉक पेंटिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले ये अपने दुपट्टे में ब्लॉक्स किए थे, जिसमें मैंने वेजिटेबल ब्लॉक्स का यूज किया था। ये देखिए, इसमें जो डिजाइन क्रिएट की गई है, ये पोटैटो में मैंने बनाई थी, और इसमें जो कलर यूज किया है, ये ऑनियन में बना के ये ब्लॉक्स यूज किया है। और ये सेकेंड जो पैटर्न है, ये मैंने फिंगर चिप्स जो आते हैं बच्चों के, जो खाने के लिए आते हैं, उन फिंगर चिप्स में कलर डिप करके ये ब्लॉक बनाया है। तो ये ब्लॉक फिंगर चिप्स का है, जिसको आप लेडी फिंगर से भी पूरी तरह बना सकते हैं। तो आप ऐसे डिजाइन दे सकते हैं, ये देखिए। और फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉक पेंटिंग बनाने के लिए, अभी आपको दिखाने के लिए, ये दुपट्टा यूज किया अपना, जिसमें मैंने इन टू कलर्स का यूज किया है, ऑरेंज और वाइट कलर। और इसमें ब्लॉक पेंटिंग बनाने के लिए मैंने पोटैटो का ये ब्लॉक बनाया हुआ है, और ये ऑनियन ब्लॉक्स हैं, इन्हीं का यूज करके मैं आपको इसमें डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये बनाने के लिए ब्लॉक्स, ये इसमें मैं यूज कर रही हूँ ऑरेंज कलर को। तो ऐसे यूज कर रही हूँ ऐसे इसमें लगा के, और यहाँ से डिजाइन में
ये थोड़ा कलर लाइट आ रहा है, मगर ये देखिए दोनों साइड मैंने ये ब्लॉक की पेंटिंग पूरी कर ली है। अब मैं इसके सेंटर में भी कर लूँगी, मगर इन दोनों को सुखाने के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल सूखने के बाद ऐसा लुक आ रहा है। ये दोनों साइड में इसकी ये ऐसा लुक आया है। तो प्लीज़ ट्राई दिस ब्लॉक पेंटिंग। अगर आपको ये पेंटिंग्स का आइडिया अच्छा लगा हो तो